ये इसमें सिल पे मसाला पीसा है और आज बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है। मक्के की रोटी बनवाऊंगी फिर मैं इसमें मीट के खाऊंगी। अब मैं चली शॉपिंग के लिए, ठीक है, मेरे को काफी सारी शॉपिंग करनी है। इसकी तरफ आंख ना कुछ ना दिखा। आज हमारे यहाँ बन रही है आलू टमाटर, सरोजी दिखाना। मैं नहीं दिखाऊंगा। और ये मसाला पीस के बना रही है, आलू टमाटर बनेंगे, सिल पे मसाला पीसा है, है? आप देसी तरीके से, मतलब ये समझ लीजिए कि ये वाली सब्जी कम से कम मैंने अगर ये वाली नहीं सब्जी खाई तो 20 साल हो गए होंगे। 20 साल से मैंने ये वाली सब्जी नहीं खाई जो मसाला पीस के, सिल पे जो पीस के बनाते हैं। आज मैं 20 साल बाद खाऊंगा और ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि अब तो मिक्स मसाला, देखो ये रहा, ये इसने सिल पे मसाला पीसा है और आज बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है। थोड़ी रस्से वाली बनाना, धनिया ग्रो है, लहसुन और प्याज और मिर्ची और हल्दी, ठीक है। और जब बन जाए ना सर तब भी खाना, और एक चीज करना, बस तेल कम डालना और इसमें थोड़ा रसा ज्यादा रखना। रस्से वाली रोटी, मक्के की रोटी बनवाऊंगी फिर मैं इसमें मीट के खाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज एकदम बिल्कुल अद्भुत गांव वाली चीजें बन रही है। और रायता मैंने धुमार पे थोड़ा हल्का खट्टा था, और जो धुमार लगा कर बनाते हैं वो कंडे से, अंगारी से है, उससे ऐसे धुमार लगाते अच्छा सा। आज ये वाला खाना खाऊंगी मैं तो, हूँ मैं बिल्कुल बहुत ही आज। बहादुर ने क्या क्या बनाया है? बहादुर ने बनाई है कढ़ी पकौड़ा, ठीक है, देखो। और ये बनाई है बहादुर ने मेरे लिए पनीर भुजी, मेरे को बहुत पसंद है पनीर भुजी, अगर कुछ भी सब्जी ना हो मैं पनीर भुजी से खा लेती हूँ। ये बनाए हैं अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, उसके कोफ्ते हैं, पतेड़ कहते हैं बहादुर ने, मैं नहीं बताऊंगा, उसके कोफ्ते बने हैं जो ये सर को बहुत पसंद है, मेरे को थोड़ा कम ही पसंद है। और बहादुर ने बनाया है बैंगन भरता, बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ज्यादातर सोनी खाती है बैंगन भरता, हमेशा ज्यादातर लेके जाती है। तो अभी जब मैं खाना खाऊंगी तब दिखाऊंगी धुमरा हुआ मट्ठा और आलू टमाटर की सब्जी। मैं ये टमाटर डालूं के हमारे यहाँ पर बहुत महंगे टमाटर, आलू वो कटा रखा उसे ही ले ले। इसे डालूं क्योंकि ये इतना बनना है बेकार खट्टा हो कई सब्जी को, मेरे को खट्टी पसंद कम है, कभी तू इसे टेस्ट में ज्यादा खट्टी कर दे फिर सुन, तो यही ले ले। चलो मैं ये है क्या ये देख, मैं ना खट्टी चीज नहीं खाती, नहीं तो इसे कट करके इसे ले लगते उसे लगता खट्टा नहीं खा पाती ज्यादा, तो ज्यादा टेस्ट के चक्कर में ना मैंने कुछ ज्यादा टेस्टी खावा खट्टा ही बना खाओ, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता किसी काम तो अपने तरीके से बनी, तो मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बस खट्टे का अलावा खट्टा तो अपने मेरी समस्या करी है, बाकी तो अपने हिसाब से बना। चलो ठीक है, आज का मेरा लुक है ये, एक मैंने न्यू कोट सेट बनवाया है, ये एक मेरा बुटीक है दिल्ली में जो मैं वहां से मंगवाती हूँ, देखिए कैसा लग रहा है ये भैया, ज्यादा बच्चों जैसा नहीं लग रहा, ठीक ठीक लग रहा है ना, बता रहा कमेंट करके। चलिए a few moments later इसमें तो खुशबू भी अलग आ रही है, पिसे हुए मसालों की ना अलग सी खुशबू आ रही है। ये बन गई गांव वाली सब्जी, गांव वाली नहीं मतलब ये तो सभी लोगों को बहुत पसंद है, जिसने भी एक बार बना ली ना रोज रोज बना कर खाएंगे, इतनी टेस्टी सब्जी है। और इसमें ना जैसा जब भी हम आलू टमाटर की सब्जी बनाते थे इसकी इतनी खुशबू नहीं आती, इसमें आ रही है अलग से, ऐसा लग रहा अच्छी लग रही है। बहादुर ऐसा पीस पीस का कभी बना देगा ना, हिम्मत की बात नहीं नहीं खाली आलू टमाटर नहीं, जैसे आलू बैगन पीस के बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं पीस के बनाते हैं, मस्त खाओ एक सब्जी ऐसे मस्त, मक्के की रोटी और मेवा खा जाओ, मार दिया। हाँ हाँ ये रहता तो मार दिया, इसको थोड़ा सा मार दिया, ऐसा काम करो पहले से चलाओ सही से, किससे चलाया मैंने चले तुम नहीं तुम ही मत चला रहे हो बस, सुना क्या ये भी मेरी गलती है, ये ऐसे तो जगह चलाया किससे, तो नहीं बताओ मुझे मैंने चलाई, किससे चलाई जो आपका मशीन से, मशीन से ना वो रही भी ला के दिए ना बिजली वाले, ना वही है ना उसे अच्छा चलती है, हमको सिखा रही है अच्छा चली क्यों ना फिर एक बार सीरो पापा को गाड़ी में खोल दे, बाहर चलो मुझे ना पहले पहुंच गया गाड़ी के पास, आज सुन गई तो आज बुलाने का इंतजार नहीं करूंगा, आज मैं पहले पहुंच जाता हूं, बहुत तेज हो रहा है लेकिन देखो मैं नहीं जा रही हूँ ऊपर। अच्छा हेलो, गुड मॉर्निंग, दोनों एक साथ कर दिए, मेरा यहाँ बहुत अनिकेत ऐसे घूमता हुआ बना दे, चलो ठीक है।
चलो अब मैं रेडी होती हूँ, मैं भी जाते हुए दिखाऊंगी। आज का है मेरा ये फिलहाल, मैंने ये पहना है क्योंकि गर्मी हो रही है इतनी, तो मैंने एकदम कॉटन पहना है। और अब मैं चली शॉपिंग के लिए, ठीक है, मेरे को काफी सारी शॉपिंग करनी है। अभी सूट लेने हैं और दो चार चीजें और लेनी है, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, पता नहीं चलता कितनी सारी चीजें हो गई। तो आज मैं वो लेने जा रही हूँ, आज वो लेके आती हूँ। और कल मेरे को जाना है रायपुर, बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत सारी शूटिंग करूंगी, ठीक है, तो कल मैं वहाँ पे दिखाऊंगी सारा। हो गया पागल हो गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ा गया। इतने सारे बाल तोड़ा ना मेरे ऊपर, बाल इसकी कटिंग जिससे करता है इसका आंख ना कुछ ना दिख रहा। कल मैंने इसको फोन लेकिन क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो किसी और का करा ला, उसके अलावा कोई नहीं देख रहा है, अच्छी नहीं करेगा, देख रहा है। तो अब चले हम शॉपिंग करने, आज होगी सूटों की शॉपिंग और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जिनकी शॉपिंग करने जा रहे हैं, और मैं और भाभी जी हम दोनों अपनी पसंद के लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद फिर हम दिखाएंगे आपको, फिर दिखाएंगे। ये मतलब जो फाइनल वाले हैं ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये सब फाइनल है। तो ये देख लिया हमने बहुत सारा पूजा का सामान, देखो, और एक जैसे का ये देखो, लक्ष्मी जी गणेश जी, मतलब बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें ली हैं ऑफिस के लिए। जिस काम से आया वो हुआ ही नहीं तो क्या करा जाएगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चले भी बेकार देखो देखो ऐसे खड़े होकर चला जाता पूरे टाइम। चलो अब घर चलना है, चलो 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 देखो चलो भाभी जी ठीक है आ तो वापस आ जाओ। सारी चाट डाली, सारी चाट ली। चलो और बहुत ताकत लगाता है, देखो हवा मिल जाए। चलो मैं चलो, जाओ तो जाओ, चलो चलो बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर देखो मैं क्या करी, देखो देखो आराम से अब मुंह अब उठाया तो सो गया भाई, बोल ना इसने इसने सोचा होगा कि अब मैं जा रहा हूँ तो मैं आराम से लेट जाऊँ। अरे आप लना रही हो, आओ बेबी, इसे किसी ने कोई गाड़ी में रख ले जाएगा। हाँ? ना भाभी जी ऐसे नहीं जाता, कितने लोग आते तो नहीं जाता। इसकी चोरी मैं ही कर ले जाऊंगी, मैं ही चोरी कर ले जाऊंगी तेरी, ले जाऊँ का पानी डालते हैं इसमें वो, और मूंग की दाल के बड़े होते हैं, और दही बड़े दही सौंठ डालेंगे आप खाएंगे तब बता दें कैसे लगेंगे। तुम लोग भी खाओ, अभी मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे ये है कांजी के बड़े, इतना भरा हुआ गिलास पानी का, और ये बड़े तले हुए थे, तो इसका टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। अच्छा है, खट्टा भी नहीं है ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ मैं और सबसे पूछना चाहूंगी कि ये कांजी वाले बड़े और सौंफ दही के बड़े किस किस ने खाए, कमेंट में बताएं। बुलंदशहर काम से आई हुई थी, तो बुलंदशहर से मैं वापस अपने घर जा रही हूँ नोएडा, तो मेरे को लगा था कांजी के बड़े मिल रहे हैं, तो मैंने आज दोनों ही खा लिए। वैसे मैं कभी कभी खा लेती हूँ एक, लेकिन मैंने कहा आज मैं सौंफ के भी एक साथ ही खाऊंगी, ये भी खाती हूँ। और आप भी कमेंट में बताना कि आपने किस किस ने खाए और कैसे लगते हैं, हम तो सौंफ खा रहे हैं। 2 hours later हीरो जल्दी आ, हीरो मम्मा देखो देखो मैंने हीरो आया, हीरो आया, मैं चीरो आ गया, मैं चीरो आ गया, मम्मा के पेट आ गया, और बाबू भी आ रहा, बाबू भी आ जाओ। तो आज की हमारी शॉपिंग हो गई डन, जो हम खरीद कर लाए हैं, अब धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।